दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। वही भड़की से सवाल पूछिए हमसे, वही चुपके में आप हाथ दिखाइए, वही दिखाइए, देखो मुल्ला ये कर रहे हैं, देखो में पूरे भारत का सब एक आप दिखाते चैनल पे अपने, तब आपका मुल्ला कहने का नहीं, प्राइवेसी का नहीं कर रहा है, ये प्राइवेसी नहीं, आप सड़क पे बैठी है, इलीगल इलीगल हो गया, आप तो इलीगल जगह बैठी है मैडम, कहाँ जा रही है मैडम, मैडम आप तो स्क्रीन कहना चाहिए, बोलिए ना मैडम, आप बोलिए मैडम, आप माशाल्लाह हमारी फख्र है, आप भारत का चौथा स्तंभ है, हम चाहते हैं आप बोले, आप तो करंट आए, कहाँ जाइए मैडम, आप भी अगर नहीं अगर मुझे कहाँ जा रही है मैडम, इतनी मेहनत करके रुपया कर रही, कहाँ जा रही है, तीन बार हो चुका बुलडोजर आता है अपनी उंगली खाता और चला जाता है, और ये बेचारे तमाम गोदी मीडिया वाले मुजरे करने को बेकरार है कि हम कहाँ पर ऐतिहासिक जीत दिखाएं, अभी देखिए आप सारे के सारे जितने भी है डिजिटल तवायफ है सारी की सारी अंदर छुपी हुई है कि कभी पब्लिक इनको मार दे, तो फिक्र मत करो मुल्ला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से उत्पात मचाओ, आतंकवाद मचाओ और आराम से अपने घरों को जाओ, क्योंकि मुल्लाओं की वजह से तुम्हारी रोटियां चलती हैं, अगर मुल्लाओं पे तुम पॉलिटिक्स करना बंद कर दोगे, न्यूज दिखाना बंद कर दोगे, जिहाद इस्लाम हलाल हराम करना बंद कर दोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन, कुत्ता भी तुम्हारे चैनलों पे मूत कर नहीं जाएगा, तो आराम से तुम दिखाओ, मुसलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आराम से नफरतें फैलाओ, ये ड्रामा है, मुसलमानों को डराना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते, आज शुरू से कह चुकी कि शाहीन बाग में बुलडोजर आएंगे और जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर टेरर है, शाहीन बाग को डराने के लिए ये पहले चीखम चिल्ली मचाते हैं, बुलडोजर आ गए बुलडोजर आ गए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि लीगल इलीगल यहाँ पर कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत छज्जा बज्जा अगर होगा तो उन लोगों ने खुद तोड़ लिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हो रहा है क्या, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है, आप लोग हम लोग कैसे, आप देख लो छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में हिंदू मुस्लिम भर रहे हैं आप लोग, ये गलत गलत वीडियो डाल के गलत गलत जो मीडिया प्रचार कर रही है उससे हमारे जो नौ छोटे छोटे नौजवान जो आठ आठ दस दस साल के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये बताओ मुझे, हम उन छोटे बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में जो अभी से हिंदू मुस्लिम भरेंगे वो आगे चल के क्या करेंगे, मुझे आप ये बताओ कि अगर आज जो ये हो रहा है ना इसका हल अभी नहीं निकलेगा, ये आज के 10 साल के बाद जो और लोगों के जो दिमागों में भरा जा रहा है ना उसका खुमियाजा जब भुगतना पड़ेगा, हमें अपने देश के बच्चों को और हमारे देश के जो नौजवान है उन्हें बहुत सोच समझ के आना चाहिए, और इस चीज के ऊपर खास तौर से कि हम क्या चीज आगे व्हाट्सएप कर रहे हैं, हम क्या चीज आगे उसको शेयर कर रहे हैं, ये सब हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ये कार्रवाई नहीं है, अगर कार्रवाई होती तो कुछ टूटता, यहाँ पर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो आपने देखा ओनली टारगेट बनाया क्या, ओनली टारगेट ये सिर्फ एमसीडी के चुनाव के लिए है, ये शाहीन न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं ये सुनो ना पहले, सिर्फ उसको टारगेट करके आठ दिन पहले से आप तो देख रहे होंगे मुस्तकिल चैनलों पे कि क्या दिखाया जा रहा है, शाहीन बाग जाएंगे डिमोलिशन होगा, ये होगा वो होगा, यहाँ पे कुछ हुआ, और देखिए जो अनऑथराइज यहाँ पे चीजें हैं उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 15 साल से एमसीडी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सर अगर कहीं इंक्रोचमेंट है कहीं अतिक्रमण है और तो हम खुद हटाने को तैयार है ना, हटाया ना यहाँ से, अगर कुछ लगवाया भी था दुकानदारों ने तो सब हटवा दिया, और भी मुस्लिम आबादी वाले शाहीन बाग, सिर्फ मुसलमानों से क्यों कह रहे हो, खट्टा कॉलोनी भी नहीं, मुसलमानों से क्यों कह रहे हो, क्या हिंदू कॉलोनियों में नहीं है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, आप बताओ मुझे क्या हिंदू कॉलोनी, आप अगर जाके देख लो जैतपुर में जाके देख लो जहाँ पे मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ पे आप जाके देख लो, जैसा माहौल यहाँ पर है वैसा ही माहौल वहाँ पर है, सिर्फ हम यहाँ के एरिया को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है, और ये चीज टारगेट मीडिया कर रही यार, मीडिया ही तो पूरे देश का माहौल खराब कर रही, आप कौन सी मीडिया हो, आप कौन सी मीडिया हो, आप ये बताइए, आपने बोला मेरा भी चैनल है हम लोग मीडिया में नहीं गिने जाते, मीडिया में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल बड़े चैनल है ना वो जिसमें अंजना ओम कश्यप जाके बिल्डोजर पे बैठती, आप मैं ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ अंजना ओम कश्यप बिल्डोजर पे बैठती, जबकि उसका काम बिल्डोजर पे बैठना नहीं, बिल्डोजर के नीचे लेटने का काम था, वहाँ के जो गरीब लोगों के घर टूट रहे थे उन्हें बचाना उसका काम था, हम मीडिया के जो लोग हैं हमारा मैसेज देने का काम सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोग उसे मैसेज सही दें, ठीक
लगता है यहाँ पे कहाँ हुआ, कहाँ बुलडोजर चला मुझे बताओ, कहाँ चला, कि क्या सवाल है? सुभाष से सारे मीडिया के बंधुओं को यही बता रहे हैं, बुलडोजर जो आया था वहाँ आया था, नहीं चला कहाँ? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, बुलडोजर आपका इतना चलता है फिर पीछे हो जाता है, फिर चलता है फिर पीछे हो जाता है। उसका जो ड्राइवर था वो बंगाल का था, मैंने उससे पूछा दादा ये बुलडोजर चलता क्यों नहीं, उसने बोला मामा एसी नहीं चलता, इसमें पेट्रोल नहीं है। तो मैंने जब आपको पेट्रोल ही नहीं मिला तो आप लेकर क्यों आए, तो उसने बोला पेट्रोल 110 रुपए लीटर है। तो मैंने बोला आपकी जिम्मेदारी है, तो मैंने बोला चलो इसको स्टार्ट करो, तो उसने बोला स्टार्ट तो मैं करूंगा लेकिन ये जो वाइब्रेट होता है इससे ज्यादा मेरा दिल वाइब्रेट होता है। मैंने क्यों कहना कि मैं शाहीन बाग में खड़ा हुआ हूँ, अरे मैंने चला ना, कह रहा नहीं चला सकता। तो ये बिल्डोजर जो आया था ये माहौल को क्रिएट करने के लिए आया था। आप एक चीज बताइए, आपने किसी के पाइप तोड़ दिए, मुद्दा क्या था, 9 नंबर से 3 नंबर तक जो लोगों के फर्नीचर की शॉप है जो कैफे हैं उन्होंने जो अपने आ गए जो कब्जा कर रखा था 20 फुट 25 फुट, क्योंकि ओखला की आबादी 4.5 लाख है, 4.5 लाख आबादी का मतलब होता है कि जब आबादी बढ़े तो रोड चौड़े हों, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आबादी बढ़ी है रोड पतले हुए हैं, तो हम खुद ओखला के 4.5 लाख परेशान थे 6 महीने से 3 महीने से, इस चीज की कंप्लेंट कर रहे थे अधिकारियों से, एचओ साहब से, कि किसी भी तरह से रोड को चौड़ा कीजिए। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि रोड जितना भी था उसमें एक साइड फोर व्हीलर खड़ी हो रही थी इधर, एक साइड खड़ी हो रही थी इधर, हमारी गाड़ी निकलती है तो हमारी पे भी डेंट आ रहा है, उनकी पे भी डेंट आ रहा है, इसमें विवाद भी हो रहा था, लड़ाइयां भी हो रही थी। इस वजह हम चाह रहे थे कि वो अपने आगे से कब्जा हटाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि बुलडोजर का 1K47 से बताइए। अरे भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको सबका हक मिलना चाहिए, अगर किसी ने गलत किया तो उसको जेल मिलना चाहिए। अगर आपको किसी का घर तोड़ना है, किसी का हाथ तोड़ना है, किसी की शॉप तोड़नी है, तो आप लेटर लेकर आइए, प्रूफ लेकर आइए। मैडम मुझे एक चीज बताइए, आपके हाथ में मायके में कहूँ ये मेरा है तो आप मुझसे क्या पूछेंगे, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, मुझे दे देंगे बताइए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ अधिकारियों से, आप मेरा घर तोड़ रहे हैं, बताइए आपके पास प्रूफ क्या है? डेमोक्रेसी में प्रूफ दिया जाता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है भाई, किम जो हमने अपने बाल इतने कर लिए सब पूरा देश करेगा। अब यहाँ तो नहीं हो गए मोदी जी ने गंजी करवा ली तो हम गंजी करवा लें। मैडम देखिए मैं बताऊं, शाहीन बाग का मतलब ये नहीं है मुसलमान, शाहीन बाग का मतलब है यहाँ पर सभी जात के लोग, सभी मजहब के लोग मिलकर अमन चैन से रहते हैं। खैर हमने वो आपको टाइटल जो डाला है कि गोदी मीडिया का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, तो लोकतंत्र में मीडिया किस स्तर पे पहुंच गई है, कहाँ पहुंच गई है कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। 5 तारीख को भी यहाँ पे ये गोदी मीडिया जो है 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ शाहीन बाग के अंदर 9 नंबर पे जो कालिंदी कुंज पार्क है उसके सामने पहुंच चुकी थी, इस वजह से कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलना था, लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं थी बुलडोजर चलाने की। और इसी तरीके से तो खैर देखिए जैसे यहाँ पे गो बैक के नारे ज्यादातर लगे कि गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक, जाहिर है यहाँ पे कोई जो इंकरेजमेंट आपको दिख रहा है क्या, कोई इंकरेजमेंट दिख रहा है? दिल्ली के अंदर आदेश गुप्ता आदेश देते हैं कि शाहीन बाग के अंदर इंकरेजमेंट है उसको तोड़ा जाए, तो क्या उनका घर जो है एबीपी न्यूज वाले आज तक वाले जाकर के चलाते हैं? यहाँ पे जो अब्दुल अजीज है जो ये भी मतलब इसी पेशे में आने वाले हैं, लेकिन इस पेशे की हालत ये हो गई है कि अब शर्म आती है खुद को भी, लेकिन आखिर ऐसा आप आवाम है और मीडिया से आखिर नाराजगी क्या है कि गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं जैसे मीडिया अपना काम करना शुरू करे? यहाँ के लोग बहुत समझदार है, अगर आप एक तरफा न्यूज चलाएंगे तो गो बैक के नारे लगने ही लगने हैं, वो संभव है। आप एक पहलू को एक तरफ मत दिखाइए, दोनों तरह से दिखाइए तो गो बैक के नारे नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। दोनों पहलू तो दिखा रहे हैं, सुबह से मीडिया वाले इतने मेहनत कर रहे हैं, बुलडोजर चला चले कि ना चले, कब चलेगी, क्या होगा बुलडोजर? भाईजान हम भी सुबह से सो के उठ के यही इंतजार कर रहे कब बुलडोजर चलेगा, हम सब इंतजार कर रहे थे बुलडोजर का ही, मगर यहाँ बुलडोजर आया भी और हम स्वागत करते हैं। जो भी यहाँ अवैध निर्माण है वो टूटना चाहिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब साथ है उसके, कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन टूटा क्या है, यहाँ तो कुछ अवैध था ही नहीं, थोड़ा बहुत दुकान के आगे जो थोड़े बहुत रेडी पट्टी लगते थे वो बेचारे वैसे ही, उनका कुछ बेरोजगार है वो तो वैसे ही चले गए छोड़ के, इनकी दुकान है अपनी दुकान में, इसमें कुछ अवैध है ही नहीं। मीडिया से नाराजगी क्या है यहाँ पे, जब जहाँ देखो वहाँ गो बैक के नारे लग रहे हैं कि गो बैक मीडिया, गो बैक। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया आज कितने स्थान पर है, तरक्की कर 150वें स्थान पे पहुँच गई है, और हमारी गोदिया मीडिया कहती है 180वें स्थान पे, अभी हम नहीं है 150वें स्थान पे है, तो आप खुद देख सकते हैं, समझदार है गोदी मीडिया, चौथा जो स्तंभ है हमारे डेमोक्रेटिक उसका, लेकिन मीडिया ने इस देश को पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है गलत रिपोर्टिंग करके, बिल्कुल सत्ताधारी पक्ष में निष्पक्षता से पत्रकारिता हो रही है। शाहीन बाग में मौजूद हैं लोग, देखिए सुबह से मेहनत कर रहे हैं मीडिया वाले, दिखा रहे खबरें कि यहाँ पे बुलडोजर चलने वाले हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि गलत? नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, मीडिया सब जानते हैं पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम सभी जानता है, मीडिया बिल्कुल एकदम गलत रिपोर्टिंग कर रही है, खूब भर भर के पैसा दिया जा रहा है राजनेताओं से,
मीडिया वालों को खूब पैसा दे रहे हैं और खूब मीडिया जो है रिपोर्टिंग कर रही है पैसे के बल पे, पैसे के बल पे रिपोर्टिंग। आप भी मीडिया से नाराज हैं? बहुत ज्यादा सर। हम क्यों नाराज है भाई? जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं समझिए, बहुत बड़ी जो गोदी मीडिया है, अगर हमारी हिंदुस्तान अगर कुछ अगर लोग अगर सच अगर मान रहे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे को लोगों को जो हमारे मतलब जो सोशल मीडिया है जी, अभी उसके खिलाफ वारंट है, राजस्थान कोर्ट ने भी हाईकोर्ट लगाया, अभी केस चला है न्यूज 18 का अमन चोपड़ा। सारे मीडिया हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण पर डिबेट होती है रात को 8 बजे, हिंदू मुस्लिम डिबेट तो हर मसले पे होता है, डिबेट हर मसले पे नहीं होती। आप लास्ट 90 दिन की वीडियो उठा के देख लें डिबेट क्यों, सारे हिंदू मुस्लिम करके देश इतना, पत्रकार इतना मेहनत करके आपकी आवाज उठाते हैं और फिर आप लोग पत्रकार मेहनत बस इसके लिए कर रहे हैं, अभी न्यूज रूम में बैठ के मैसेज आता है इतने पैसे विड्रॉ हो गए, बस न्यूज चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, मैसेज आता है इतने पैसे भरोसा में आ गए। पत्रकारी का बिल्कुल एकदम दलाल मीडिया मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, दलाल मीडिया मुर्दाबाद। नहीं, मेहनत करते हैं वो लोग दिन रात लगे। अमन चोपड़ा के खिलाफ न्यूज 18 इंडिया का वारंट जारी हुआ है, उसने हिंदू मुस्लिम पे गलत डिबेट दिखाई, अभी उस पे वारंट जारी हुआ है। अच्छा, आप भी मीडिया से नाराज है क्या? हम तो आर लगन लात मारते उसको, लात मार दो आप। क्यों लात क्यों मार? वो गलत दिखलाता है, हिंदू मुसलमान खाली करते रहता है। सच नहीं दिखलाते, सच दिखलाया करो। क्या बोले आप? मीडिया को शर्म आता है सच्चाई को दिखाने की, शर्म तो आता है यार, ऐसा थोड़ी है। मोदी की तलवार चाटने वाले, मोदी की तलवार चाटने वाले मीडिया, सारी मीडिया, एक भी मीडिया सही नहीं है, सब दल्ले है, सारी दल्ले है, सारी चैलेंज दल्ले है। सबसे बड़ा अंजना कॉम जो है, सबसे बड़ा दल्ला वही है। अंजना कॉम सबसे बड़ा दल्ला है की जंगीरपुरी जाओ, जाओ सुनो जंगीर, मेरे पास सुनो, जंगीरपुरी में जाओ मसी को तोड़ा जरा, क्या करे, चाहे मसी टूटे चाय पान का खोखा टूटे, जैसे हम मंदिर को बात चला गया और क्या कह रहे आप मंदिर तोड़ोगे, कितनी बड़ी बेदू है, उसके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है उसके अंदर, अंजना कॉम का कोई शर्म नहीं है। अरे उससे जैसा घटिया मीडिया कोई नहीं है। अच्छा पत्रकार कौन? अरे कोई भी नहीं, एक भी सच्चाई दिखाने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं है। क्या सुनो, सबसे बड़ा अंजना, सबसे बड़ा फतस का झाड़ वही है, सारा मीडिया दंगा करवाता है, मीडिया ही करवाता है और कोई नहीं करवाता, मीडिया ही करवाता है दंगा, मीडिया ही करवाता है। ये हिंदू मुसलमान आप ही लोग करवाते हो, हिंदू मुसलमान आप ही लोग, सुनो हिंदू मुसलमान आप हिंदू मुसलमान आप लोग ही करवाते हो, पब्लिक कुछ नहीं करवाता है। सब देखो शाहीन बाग में मीन बांट के रहता है हिंदू मुसलमान, मीन बांट के रहता है। आप आके सवाल कर रहे हो हिंदू मुसलमान कौन सा सवाल है? यहाँ किस लिए आया आप? यहाँ किस लिए हिंदू मुसलमान का निकले? पूछेंगे नहीं, सवाल ना हॉल चल रहा है नहीं, देश में आपने मस्जिद पे बात करी है, मंदिर वहाँ भी टूटा राजस्थान में। अरे जहाँ पे राजस्थान को छोड़ो, जहाँ पे जंगीरपुर में तोड़ा वहाँ दोनों का हिस्सा क्यों बराबर नहीं हुआ? सिर्फ मस्जिद क्यों तोड़ा, मंदिर को क्यों रुखा गया? अंजना कॉम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्या मंदिर को तोड़ोगे? ये बोलने का तरीका, इतनी नाराजगी क्यों? अरे नाराजगी सारी मीडिया से, ऐसे मीडिया घटिया बात। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।